जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? देखो, सितंबर महीने का दूसरा हफ्ता भी आ गया। समय इतनी जल्दी से गुजर रहा है कि कुछ पता ही नहीं चलता। फिर से हाजिर हूँ आपका साप्ताहिक राशिफल लेकर के। इस वीक आपके साथ क्या होने वाला है, यानी 8 से लेकर के 14 सितंबर तक आपके साथ क्या क्या होगा, वो सारी चीजें जानेंगे ताकि समय से आप अपने वीक को प्लान कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लोग नए जुड़े हैं उनको बता देते हैं, ये जो राशिफल है ये ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं उसके ऊपर बेस करता है। साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशंस आते हैं, जो आभास शक्ति है, उसके द्वारा भी मैं आपको ये बताती हूँ। इसे अपने मून साइन से देखेंगे तो परफेक्टली मैच करेगा। मून साइन नहीं पता है, राशि नहीं पता है, चंद्र राशि, तो उस केस में आप अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं या लगन से भी देख सकते हैं। मेल हो फीमेल हो, किसी भी कंट्री में रहते हैं, किसी भी टाइम जोन में रहते हैं, सभी लोगों को ये राशिफल 100% सूट करता है, 100% सूट करेगा। आप लोग अक्सर पूछते हो कि गुरुमा ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका राशिफल सटीक है। देखो, मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विद्या जो है ये कोई बेचने की चीज़ नहीं है, मेरे लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, मेरे लिए एक सेवा है। और उसी सेवा के चलते हम दरबार भी लगाते हैं हर गुरुवार, जहाँ बिल्कुल निःशुल्क सभी लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी जन्म कुंडली देखते हैं, जो भी उनके जीवन में समस्या आ रही है उनके बारे में बताते हैं, डिस्कस करते हैं, गाइड करते हैं, और उन उपायों को जो फॉलो करते हैं उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार भी होते हैं बाबा की कृपा से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई भी कार्य सच्चे दिल से करते हैं तो उसका फल हमें जरूर ही प्राप्त होता है। तो शायद वही कारण होगा कि हम अपने घर बैठे हुए, आप अपने घर बैठे हुए सुन रहे हैं, हम अपने घर बैठे बता रहे हैं, फिर भी ये राशिफल आपको 100% मैच कर रहा है। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है तो उस लीगल मैटर में और ज़्यादा देरी हो सकती है, और ज़्यादा डीले हो सकता है, एक तो ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती आपको फंसाया जा रहा है, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा मेहनत कराई जा रही है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आप कर रहे हैं और ज़बरदस्ती सारा प्रेशर जैसे आपके ऊपर आ रहा है और आपको वो करना पड़ रहा है, और जैसे फंस से गए हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपको ऐसा लगता है कि हम फंस गए हैं इस सिचुएशन में आके, और चिंता मत करिए, आगे चल के वो सिचुएशन ज़रूर ठीक होगी। अगर हम बात करते हैं आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब में किसी तरीके का कोई नया कोलीग या इंटर्न या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि न्यू ज्वाइनिंग है, वो आपके साथ टीम बना सकते हैं, आपके साथ कुछ नया कर सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ मिलके कुछ पुरानी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। आपके ऑफिस में कुछ पुरानी मतलब चीज़ें हैं जिसे ठीक करना ज़रूरी है और आप इनिशिएटिव लेके उसको करेंगे, वो काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। बात करते हैं अगर हम बिजनेस की, तो बिजनेस में जो है इस समय आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं लेंगे, बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, बहुत रिसर्च वर्क करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा आस अगर किसी चीज़ में आपने लगाई हुई थी तो रिसर्च से आपको पता चल रहा है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं थी, तो आप उससे मूव ऑन भी करेंगे, तो कुछ ड्रॉप करते हुए अपने बिजनेस में दिखाई दे रहे हैं। और बात करें बिजनेस की, अगर आपका किसी भी तरीके से ऐसा काम है जहाँ केमिकल्स यूज होते हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो केमिकल्स वेस्ट किसी तरीके से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका आपको ख्याल रखना है। बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका तो मुलाकात हो सकती है पार्टनर से, बहुत स्वीट कम्युनिकेशन होता दिखाई दे रहा है, कुछ लोग के पार्टनर भी उनके पास आ रहे हैं ऐसा भी दिख रहा है। कुछ लोग अपनी फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में और आपको सपोर्ट वहाँ से मिलेगा। सिद्ध दरबार, भगवान शनिदेव का दरबार, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। इस हफ्ते भी मुझे एक प्यारी सी शिष्या है, हमारी भक्त हैं, उन्होंने बहुत ही एक अच्छी चमत्कार की घटना सुनाई जो उनके साथ हुआ है, चलिए जानते हैं, फिर उसके बाद आगे का राशिफल हम सुनेंगे। जय श्री शनिदेव महाराज, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गुरु मारुक मणि की जय। मेरा नाम आरती है, मैं सुल्तानपुरी की रहने वाली। मैं यहाँ पर, मेरी सिस्टर ने मुझे यहाँ पर बताया था गुरु माँ के पास, जैसे उन्होंने मुझे गुरु माँ के बारे में बताया, वीडियोस दिखाई, फोटोज दिखाई हैं, रील्स दिखाई हैं जब गुरु माँ की, तो मैंने उनकी, जब उन्होंने मुझे बताया मेरी सिस्टर ने कि वहाँ पे ऐसे ऐसे चीजें होती है, और फिर मैंने वीडियोज भी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत परेशान थी अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए और मेरी मैरिड लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत परेशान थी, दिन रात रोती रहती थी, बहुत दुखी थी मैं। जैसे ही गुरु माँ के पास आई हूँ,
गुरु माँ ने मुझे मंत्र दिया, आप ऐसे ऐसे करो, इस मंत्र को जितने भी दिन मुझे बताया मैंने उतनी बार टाइम किया, और गुरु माँ ने मेरी कुंडली बनाई, मेरे बच्चे की कुंडली बनाई। कुंडली के अकॉर्डिंग मेरे बच्चे की एजुकेशन में बहुत रुकावट थी, रुकावट के तो मैं परेशान हो गई और मेरे बच्चे को स्कूल में जाने के लिए मना कर दिया गया। तो गुरु माँ के बताया गया मंत्र जो मैंने वो रेगुलर किया, और आज चमत्कार ऐसे हुआ कि मेरा बच्चा, गुरु माँ की कृपा से मेरा बच्चा आज रेगुलर स्कूल जा रहा है, और मेरी मैरिड लाइफ भी स्लोली स्लोली ठीक हो रही है, और आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर हम सिंगल्स की बात करें तो सिंगल्स जो हैं वो थोड़े से मतलब क्लियर रहें अपना इस टाइम में, क्योंकि इस हफ्ते में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको प्रिटेंड करने की कोशिश करे, दिखाने की कोशिश करे, झूठ बोलने की कोशिश करे, लेकिन वो वर्थ नहीं है। वो अपने आप को बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा स्टेटस में बड़ा दिखाएंगे, लेकिन उनसे बच के रहिए, अंदर वो सारी चीज़ें नहीं है। बात करते हैं हम आपके मनी की, तो मनी को लेकर के बात करें तो आपका खर्चा जो है वो फैमिली या फैमिली प्रॉपर्टी पे होता दिखाई दे रहा है, मतलब दादा नाना चाचा ताऊ उनके ऊपर कुछ खर्चा आपका इस समय में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके फैमिली लाइफ की बात करें तो अच्छा रहेगा, सुखी रहेगा, उसमें शांति बनी रहेगी, खुश रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करेंगे। फैमिली के साथ एंजॉयमेंट के लिए किसी छोटे मोटे गार्डन या पार्क में जा सकते हैं, या फिर एम्यूजमेंट पार्क में भी जा सकते हैं। कुछ तो आप कहीं घूमते हुए दिखाई दे रहे। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया दिख रहा है, आप कुछ नया या तो सीख रहे हैं या आपका पढ़ने का तरीका चेंज हो रहा है। निराशा से ही ये आशा निकल रही है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग तो मुझे करियर चेंज करते हुए, अपना पाथ चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी मतलब एजुकेशन में कुछ शिफ्ट जरूर आपका हो रहा है, कुछ लोगों का स्कूल भी बदल सकता है। छोटे बच्चे जो हैं अगर कुंभ राशि के, जरा ध्यान रखिए आपके हाथ से या फिर आपके पॉकेट में से कोई सामान, इम्पोर्टेंट सामान जो है वो गिर रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे आधार कार्ड या ऐसा कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका, वो भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए चाबी गिरती दिखाई दे रही है, उस पर जरा ध्यान रखेंगे। हेल्थ की बात करें तो थोड़ा आपकी बॉडी में, एक तो पता नहीं क्यों स्मेल ज्यादा लग रहा है, कि जैसे आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है या बहुत ज्यादा स्मेल आ रहा है आपकी बॉडी में से, तो एक तो बैड ऑडर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मुंह में से भी कुछ लोगों की बदबू आनी शुरू हो सकती है, कुछ शायद खाना फंस रहा है या कुछ सड़ रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम दिख रहा है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खून की कमी भी कुछ लोगों को हो रही है उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से आप ठीक से काम जो है नहीं कर पा रहे, आलस थोड़ा बॉडी में ज्यादा आ रहा है। कुछ लोगों के बाल भी टूट रहे हैं, बाल भी झड़ रहे हैं इसी रीजन की वजह से। यह हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो, ऐसा आशीर्वाद मैं आप सभी को दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।